चलिए आइए से भी शुरू करते एक और बड़ी जानकारी का। दो घंटे के सांकेतिक धरने पर रोडवेज कर्मचारी बैठे हुए, निजीकरण के विरोध में खोला गया है मोर्चा। रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशन बहाली की भी इस बैठक में मांग की जा रही है और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। दो घंटे के सांकेतिक धरने पर बैठे हुए रोडवेज कर्मचारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी, निजीकरण के विरोध में ये मोर्चा खोला गया है जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पेंशन बहाली की मांग भी इस विरोध में जता रहे हैं और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से दो घंटे के सांकेतिक धरने पर रोडवेज कर्मचारी बैठे हुए हैं। निजीकरण के विरोध में खोला गया है मोर्चा जिसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कर्मचारी। रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दो घंटे के सांकेतिक धरने पर रोडवेज कर्मचारी बैठे हुए हैं, जिससे और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए करनाल से हमारे साथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, रोडवेज कर्मचारियों ने धरना दिया है निजीकरण को लेकर, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए आज जो रोडवेज यूनियन है उनकी तरफ से दो घंटे का एक सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया था जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जारी रही है। इस हड़ताल का जो इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि बीते सप्ताह जो देश व्यापी हड़ताल हुई थी 2 दिवसीय, उस हड़ताल के दौरान कुछ रोडवेज कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया था जो हड़ताल में शामिल हुए थे। जो सबसे जो पहली मांग हड़ताल की आज की, उसमें यही है, जिन रोडवेज कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज किए हैं, उनको सरकार तुरंत वापस ले। वही दूसरी मांग जो है, जो जिस तरह से रोडवेज में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है या प्राइवेट बस ऑपरेटर शामिल किए जा रहे हैं, उसका इस हड़ताल के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। जी, साथ ही महेंद्र ये भी जानना चाहेंगे, जिन लोगों को अपने गंतव्य तक वक्त पे पहुंचना है उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि ये हड़ताल जो है आज की सुबह 10 से 12 बजे तक थी, तो ऐसे में 2 घंटे की हड़ताल रही है। निश्चित रूप से इसका असर जो है जो बस यात्री हैं उनके ऊपर पड़ा है, क्योंकि जिन लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर जाना था तो बसें है जो ऐसे में 2 घंटे की देरी हुई है, उनको तो काफी दिक्कतें रही हैं। हालांकि क्योंकि ये आंशिक हड़ताल थी, इसलिए दिन भर का कोई असर इस पर फिलहाल देखने को नहीं मिला है। जी जी महेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।